सुपर सैयन ब्लू वो फॉर्म है जो कि सबसे बैडस और ताकतवर है, लेकिन कुछ लोगों को इस फॉर्म की वीकनेस का नहीं पता। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस फॉर्म को कैसे अचीव करें, क्या ये फॉर्म सुपर सैयन गॉड से ज्यादा ताकतवर है, क्या गोकू ब्लैक सुपर सैयन ब्लू जा सकता है और बहुत कुछ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स गो। फैक्ट नंबर वन, ये फॉर्म दो फॉर्म्स को मिलाकर बनता है। ये फॉर्म सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब सुपर सैयन गॉड को अचीव करना जरूरी है सुपर सैयन ब्लू अचीव करने के लिए। फैक्ट नंबर टू, इस फॉर्म को दो तरीकों से अचीव किया जा सकता है। पहला तरीका है कि सुपर सैयन गॉड में सुपर सैयन जाने से ये फॉर्म अनलॉक हो जाता है, और दूसरा तरीका इंटेंस की ट्रेनिंग है, और वेजिटा ने इस तरीके से सुपर सैयन ब्लू को अचीव किया था। फैक नंबर थ्री, सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू में ज्यादा ताकतवर सुपर सैयन ब्लू है। ब्रॉली मूवी में हमें सुपर सैयन गॉड दिखा, लेकिन ब्रॉली ने इस फॉर्म को इतना मारा और इसको इतनी बुरी तरीके से हराया, लेकिन जब गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हुआ तो ब्रॉली इस फॉर्म से हार जाता है, जो कि बताता है सुपर सैयन ब्लू ज्यादा ताकतवर है सुपर सैयन गॉड से। फैक्ट नंबर फोर, दिस इज सुपर सैयन ब्लू एंड इट्स गोइंग टू बैरी यू इन द क्राउड। गोकू ब्लैक का सुपर सैयन रोजे सुपर सैयन ब्लू है, लेकिन उसका कलर चेंज है। ये इसलिए है कि गोकू के पास नेचुरल गॉड की है, क्योंकि वो एक सुप्रीम काय है। कुछ लोग मानते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि गोकू ब्लैक की एनर्जी करप्ट है। फैक्ट नंबर फाइव, पुरानी सुपर सैयन फॉर्म्स की एनर्जी लीक करती है, जिसकी वजह से वो फॉर्म ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है, लेकिन सुपर सैयन ब्लू पावर के साथ साथ की कंट्रोल भी देता है, जो कि यूजर को काम और पावर कंट्रोल करने देता है। फैक्ट नंबर सिक्स, सुपर सैयन ब्लू के ऑरा में हमें थोड़े से गोल्डन पार्टिकल्स देख सकते हैं, और ऑरा में पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुपर सैयन शो करने के लिए किया है। फैक्ट नंबर सेवन, इसका नाम सुपर सैयन ब्लू नहीं होने वाला था। इस फॉर्म का नाम सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन था, लेकिन इस नाम को चेंज करके सुपर सैयन ब्लू रख दिया, और कुछ गेम्स में हमें सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन नाम भी दिखता है। फैक्ट नंबर एट, इस फॉर्म का कलर पहले वाइट होने वाला था, लेकिन अकीरा टोरियामा ड्रैगन बॉल के क्रिएटर ने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट विलन के हेयर्स भी वाइट होने वाले थे। फैक्ट नंबर नाइन, कायोकेन तकनीक कभी भी सुपर सैयन के साथ इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू इस फॉर्म को कायोकेन के साथ कंबाइन कर देता है, जिससे सुपर सैयन ब्लू एक नए लेवल पर चला जाता है। फैक्ट नंबर 10, अगर सुपर सैयन ब्लू को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो उसकी पावर 90% कम हो जाती है, जो ये एक्सप्लेन करता है क्यों वेजिटा हिट को नहीं हरा पाया, लेकिन गोकू ने अपने सुपर सैयन ब्लू की मदद से हिट को हरा दिया। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।